तो इस चैप्टर में आगे कुछ अब अलग चीज़ें और पढ़ने को मिलेंगी। जैसे अभी तक हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त किए धारा से, अब कुछ नियम हैं, उन नियमों का उपयोग करके भी हमको वैद्युत क्षेत्र सॉरी चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त करना है। और उनमें से सबसे पहला जो अब हमारे पास नियम आ रहा है, हालांकि इस नियम से आधारित हम एक या दो डेरिवेशंस भी अभी करते हैं, तो जो अब हमारे पास नियम आ रहा है उस नियम का नाम है एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या नाम है इसका? ठीक है, इस नियम को सीखना है और समझना है। सीखना केवल इस चित्र को देखते हैं कि ये हमारे पास एक कोई स्ट्रेट वायर है, एक सीधा लंबा तार है, और हमें पता है कि जब हम इस तार में वैद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो इस तार के चारों ओर जो होता है वो एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो इस तार के जो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है उस चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन करने पर, यानी जो भी इस पर धारा की वजह से इतनी दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा उसका रेखीय समाकलन जब किया जाएगा तो उस रेखीय समाकलन का जो मान है वो म्यू नॉट आई के बराबर होगा। ठीक है, म्यू नॉट आई के बराबर होगा, अर्थात इसका स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम फॉर्मूले में आएंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट इंटू आई। ये इसका स्टेटमेंट है जो हमें लिखना है लैंग्वेज में। तो इस स्टेटमेंट की जो लैंग्वेज होगी वो ये होगी कि किसी चालक तार में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है, उसमें बहने वाली धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। अब पूछता है इसकी उपपत्ति करके दिखाइए, इसका प्रूपेट करके दिखाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी उपपत्ति। और उपपत्ति करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा काम करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास जो चालक तार है उसमें जब स्मॉल I धारा प्रवाह की जाती है तो तार से स्मॉल r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान क्या होगा, तो लिखेंगे तार से स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो होगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2π × I / r, अभी प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया समीकरण, लिखेंगे इस समीकरण का रेखीय समाकलन करने पर, रेखीय समाकलन करने पर, चलिए इसका लीनियर इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहां पर करेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन अगर किया जाएगा तो ये तो डी रहेगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल आएगा, यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बी तो ठीक है, इस डी एल का मतलब होता है एक, मान लीजिए ये छोटा सा कोई भाग रहा होगा तो इस छोटे सभी भागों को जोड़ना, ठीक है, इन सभी भागों को जब हम जोड़ेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 2π r। ठीक, तो ये हमने वैल्यू निकाली है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल की, यानी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल आ गया बी इंटू 2π r। अब यहाँ पर आप बी की वैल्यू रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2π × I / r, और साथ में क्या चल रहा है 2π r, 2π से 2π r से r क्या हुआ कैंसिल, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल की जो वैल्यू है ये कितनी है, म्यू नॉट आई के बराबर है। ठीक है, ये आपका क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम है।
अगर ये काम किसी एन फेरों की कुंडली में होता, ठीक है, यानी यहाँ पर ये एक से कई बार ये चुंबकीय क्षेत्र बना रहा होता, तो यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू हम एन इंटू म्यू नॉट इंटू आई लिख सकते थे। ठीक है, अभी आगे करके देखते हैं अगला डेरिवेशन। ठीक है, तो इसे आप कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो डेरिवेशन है वो है एम्पियर के नियम का उपयोग करके किसी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका परिमाण ज्ञात करना है। ठीक, तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि परिनालिका क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब बात होगी परिनालिका की, तो ये समझ लो कि आप किसी इंसुलेटर मतलब किसी अचालक छड़ मतलब आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने गत्ते का, ठीक है, कोई एक भाग लिया और उसको मोड़ लिया, इस तरह से मोड़ कर इसके ऊपर क्या किए, तांबे के पॉलिश किए हुए तारों को लपेटा, और लपेटने का तरीका ऐसा होता है कि बहुत पास पास लपेटे होते हैं और बहुत ज़्यादा फेरे आपने लपेट लिए। तो आपने जब लपेट कर ये बना लिया तो ये बन गई है कुंडली, चूंकि ये लंबाई में है इसलिए इसे बोलेंगे परिनालिका। क्या बोलेंगे? परिनालिका। ठीक है, परिनालिका के भीतर और बाहर दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। भीतर वाला जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल उसी तरह से करते हैं। मान लेते हैं कि एक हमारे पास लंबी परिनालिका है, ठीक, जिसके ऊपर तार के स्मॉल एन फेरे जो हैं वो लपेटे हुए हैं, और इस तार में प्रत्येक फेरे से बद्ध जो वैद्युत धारा है वो आई नॉट है। ठीक है, प्रत्येक फेरे में जो बहने वाली धारा है वो कितनी है? आई नॉट है। तब हम बात करेंगे, एक आयताकार यहाँ पर प्रश्न लेंगे और उस प्रश्न में हम बात करते हैं कि जो भी हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसके लिए देखो जरा, पहले तो हमने मान लिया कि ये हमारी एक क्या है? परिनालिका है। ठीक है, और इस परिनालिका में कितने हैं? तार के कैपिटल एन फेरे हैं। तार के कितने फेरे हैं? स्मॉल एन फेरे हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि इस परिनालिका के भीतर इस तरह से एक आयताकार को भाग लेते हैं, और इस आयताकार भाग का हमने नाम दे दिया स्मॉल ए, बी, सी और ये डी। ठीक, अब बात करते हैं कि इसमें वैद्युत धारा प्रवाह हो रही है, जब तो इसमें जो धारा जा रही है वो अपने एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रही है। ठीक, मान लेते हैं कि परिनालिका के भीतर इसकी जो लंबाई है ये एक्स है, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस लंबाई को हमने मान लेंगे क्या है? वाई है, जब आवश्यकता पड़ेगी तब। ठीक, तो अब बात करते हैं कि इसमें बहने वाली धारा के कारण इस आयताकार भाग के लिए कुल चुंबकीय क्षेत्र का हम क्या करेंगे? मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस आयताकार भाग के लिए आयताकार फ्रेम लिख सकते हैं, भाग में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करेंगे। ठीक है, इन सभी के लिए हम क्या करेंगे? रेखीय समाकलन करेंगे। तो कुल जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा B डॉट dl, ठीक है, इक्वल कितने भागों में बटा है? एक A से B, दूसरा A से B, दूसरा B से C, तीसरा C से D और चौथा D से A। इन चारों भागों को अलग अलग जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है, पहले A से B के लिए B डॉट dl प्लस क्लोज इंटीग्रेशन B से C वेक्टर B डॉट dl प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ C टू A वेक्टर B डॉट dl प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B टू A
वेक्टर वी डॉट डी एल। अब एक छोटी सी बात देख लो, अगर हम यहाँ पर बात करें तो बी सी और ए डी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ठीक है। यानी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ये जो बी सी है इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, ठीक है। ये कौन सा है, डी टू ए, ठीक। ये दोनों को अगर हम ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे लंबवत होने के कारण, लंबवत होने के कारण इनका मान क्या होगा, शून्य। तथा ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ठीक है, ये कौन सा है, सी से डी, ठीक, लिखेंगे अत्यंत दूर होने के कारण, अत्यंत दूर होने के कारण भी इसको हम क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो ये इसको हम क्या मान लेंगे, नगण्य। तो ये सब खत्म हो गए, अब हमारे पास केवल क्या बचता है, ये बचता है, यानी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ये कौन सा है, ए टू बी, ठीक है, ए टू बी। अब अगर आप इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, जब आप इसे ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, बी तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल ए से बी, हमने बताया था ए से बी के बीच की दूरी कितनी है एक्स, तो ये आएगा बी इंटू एक्स, समीकरण आपका क्या हो गया, फर्स्ट, ठीक। अभी हमने आपको बताया है एम्पियर का परिपथीय नियम, क्या बताया है, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो देखो जरा ध्यान से, यहीं पर लिखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है, क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई, लेकिन यहां पर आ जाओ, इसमें फेरे कितने हैं, स्मॉल एन, कितने फेरे हैं, स्मॉल एन, और कितनी दूरी तक है, एक्स दूरी तक है, तो बहने वाली जो कुल धारा होगी वो कितनी होगी, एन एक्स इंटू आई, ठीक है। मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एक्स आई नॉट, ठीक है, समीकरण क्या हो गया, दो। अब आप कहीं भी बस थोड़ा सा काम ये करना है, लिख लेना है समीकरण एक व समीकरण दो से जब आप लिखेंगे तो b इंटू एक्स बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू एन एक्स आई नॉट, x x क्या हुआ, कैंसिल, तब इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, n इंटू आई नॉट, यानी b इज इक्वल टू n इंटू आई नॉट। एक छोटी सी बात और कहता है, अगर कभी तुम ये बताओ कि इसके अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है, तो याद रखना अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र आप सीधे लिख सकते हैं, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा वो बनेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस फाई वन माइनस कॉस फाई टू, ये फाई वन और फाई टू इसके केंद्र से बनाया गया एंगल होगा, ठीक है, इसके केंद्र से बनाया गया एंगल होगा जो एंगल हम यहाँ पर यूज करने जा रहे होंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो ये आ गया है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान, जो आप यहाँ पर क्या करोगे, निकालोगे, ठीक, क्लियर है। चलो स्क्रीन पॉज करके इसे करो, फिर अगला करते हैं। हाँ, तो अगला पढ़ते हैं, अगला थोड़ा सा स्पेशल है, इसको लिखेंगे धारावाही टोराइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र,
पहले तो ये पता होना चाहिए टोराइड क्या पता होना चाहिए टोराइड क्या है। तो देखो हमने ये एक प्रणालिका बनाई ठीक है, इस प्रणालिका में कहीं भी सिर नहीं है तो इस सिरविहीन प्रणालिका को बोलते हैं टोराइड। क्या बोलते हैं? सिरविहीन प्रणालिका को बोलते हैं टोराइड। तो मान लिया कि एक टोराइड है जिसकी आंतरिक त्रिज्या आप मान लोगे ए वन है, आंतरिक त्रिज्या क्या मान लिया ए वन और बाह्य त्रिज्या मान लिया ए टू है। ठीक है, इस पर तांबे के पतले तारों के स्मॉल एंड फेरे हमने फिर से लपेट दिए। ठीक है, जिसके कारण इसके भीतर यानी ये भीतर क्या आएगा ये है, तो इसके भीतर हमने जो रेडियस ले ली वो ले ली स्मॉल आर, क्या ले ली स्मॉल आर। ठीक है, यानी स्मॉल आर त्रिज्या पर आपको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके थोड़े थोड़े भाग पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करेंगे प्राप्त करेंगे। ठीक है, यानी इसके थोड़े थोड़े भाग पर जब हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसको लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, टोराइड के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करने पर, जब इसका रेखीय समाकलन करें तो फॉर्मूला वही लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो बी डी एल कॉस जी। ठीक है, यहां पर आ गया क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब डी एल का इंटीग्रेशन आपको ही पता है कि थोड़ा थोड़े भाग को अगर जोड़ेंगे तो ये वृत्त की परिधि बनाएगा यानी 2 पाई आर। ठीक है, ये बन गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आते हैं फिर से पुनः यहां से बात करेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से। क्या होता है एम्पियर का परिपथीय नियम, वैसे तो होता है B इज इक्वल टू या क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, यहाँ पर केवल धारा I नहीं बहे। तो मान लेंगे कि परिपथ में बहने वाली या इनके सिरों पर जो बहने वाली धारा है वो I नॉट है और इसमें फेरे कितने लगे हैं m और कितनी दूरी तक लगे हैं 2 पाई r। तो यहाँ पर कुल बहने वाली जो धारा है, ठीक है, कुल धारा जो आपको यहाँ पर मिलेगी I बराबर उसे आप लिख सकते हैं n इंटू टू पाई आर इंटू में आई नॉट। ठीक है, तब बात करेंगे परिपथीय नियम की, तो ये आपको मिलने वाला है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट इंटू आई की जगह आप क्या लिख सकते हैं n इंटू टू पाई आर इंटू में आई नॉट। समीकरण क्या हो गया दो, फिर से इन दोनों को बराबर कर देंगे तो समीकरण एक व समीकरण दो से तो क्या मिलेगा b इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू टू पाई आर इंटू में आई नॉट, खत्म हो गया भैया। तो b इक्वल कितना आ गया म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई नॉट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है आपको यहाँ पर r का मान प्राप्त करना है तो एक स्पेशल बात बता दें आपको, ठीक है, r इज इक्वल टू आप लिखेंगे a1 वन प्लस ए टू बाई टू, अगर कहीं पर आवश्यकता पड़ती है तो प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये था टोराइड के सेंटर पर हमें जो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है उसके। ठीक, पढ़िए फिर इसके आगे आपको अगला पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला पॉइंट, अगला जो पॉइंट है वो कहलाता है लॉरेंट
लॉरेंट बल क्या होता है, इसकी बात समझने के लिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझ लो कि अगर कोई आवेश कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर भी एक बल लगने लगता है, तब उस आवेश कण पर जो बल लगता है उसे लॉरेंट बल कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेंट बल कहते हैं। और इस लॉरेंट बल के लिए हम प्रदर्शित कर देंगे, लॉरेंट बल को प्रदर्शित करते हैं एफ बराबर क्यू वी बी इंटू में साइन थीटा सी। ठीक है, इसमें जो क्यू है वो है कण का आवेश जो गति कर रहा है, कण का आवेश। V जो है वो कण की चाल है, और B जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है जिस क्षेत्र पर ये गति कर रहा है। साथ में थीटा जो है वो लिखेंगे कण की गति की दिशा, गति की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र के मध्य का कोण है, मध्य का कोण है। ठीक है, अब कंडीशन नंबर फर्स्ट, यदि यह कण क्षेत्र के समांतर गति करता है, समांतर गति करे, अगर यह क्षेत्र के समांतर गति करेगा तब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, यानी एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी इंटू साइन जीरो, यानी क्या आ जाएगा क्यू वी बी इंटू जीरो, यानी तब उस कण पर कितना बल लगेगा, जीरो। यानी अगर कोई कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा, जीरो। और नंबर सेकेंड अगर बात करता है, यदि यह कण क्षेत्र के क्षेत्र के लंबवत गति करे, लंबवत गति करे, तब थीटा इक्वल क्या होगा, 90, यानी एफ इक्वल क्यू वी बी इंटू साइन 90, साइन 90 वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यानी तब उस लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा, क्यू वी बी। एक स्पेशल बात इसमें भी बता दूं कि यदि यह कण वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में गति करता है तब इस पर जो बल लगेगा वो वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर क्यू क्यू क्रॉस ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी के बराबर होगा। यानी तब उस पर वैद्युत क्षेत्र का भी बल लगेगा और तब उस पर चुंबकीय क्षेत्र का भी बल लगेगा और तब उस पर लगने वाला जो कुल बल होगा वो क्या होगा, क्यू इंटू ई प्लस क्यू इंटू वी इंटू बी। ठीक है, ये लॉरेंट्ज़ के बल की कुछ छोटे छोटे से बातें थी, इसे पढ़िए फिर एक बेहतरीन डेरिवेशन शुरू कर दें। तो अगला डेरिवेशन पढ़ते हैं, सिंपल बहुत है बट अच्छा भी है, क्यों और जरूरी भी है। ठीक है क्या बता रहा है, कह रहा है कि यदि वही कण जो आवेशित कण है वो अगर किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसकी लंबवत गति के लिए आपको कुछ चीज़ें ज्ञात करनी है। जैसे ज्ञात करनी हो, अगर लंबवत गति कर रहा है तो क्या होता है, तो हम बता दें, मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो क्रॉस क्रॉस वाली फील्ड है ये किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने जा रही है, यानी जो क्रॉस क्रॉस वाले निशान होते हैं इन निशान को बोलते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस पर यदि आप किसी भी आवेश कण को लंबवत भेजते हो तो वो बेटा इस क्षेत्र में पहुंचकर एक समान वृत्तीय गति करने लगता है। ये ठीक है, यानी ये एक समान वृत्तीय गति करने लगता है, ये सिरा इधर मूव करेगा, ये सिरा इधर मूव करेगा, ये सिरा इधर मूव करेगा और ये सिरा इधर मूव करेगा। ठीक,
एक समान वृत्ति गति करने लगता है। अर्थात अब आपसे पूछा जाएगा कि जिस वृत्ति पथ पर ये गति कर रहा है उस पथ की त्रिज्या बताइए। साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि जिस पथ पर ये गति कर रहा है उसके लिए आवर्तकाल का भी सूत्र बताइए। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास जो आवेशित कण है उस कण का आवेश स्मॉल क्यू है और वो किसी स्मॉल आर त्रिज्या के एक वृत्ति पथ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। यानी जब इसे किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी के लंबवत भेजा जाता है तो ये स्मॉल वी स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ति पथ पर स्मॉल वी चाल से गति करने लगता है। अब यहाँ पर दो बातें आ गई। पहली बात, अगर कण वृत्ति गति कर रहा है तो इसको वृत्ति गति कराने के लिए एक अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ेगी और वो अभिकेंद्र बल इसको कहाँ से मिलेगा, वो अभिकेंद्र बल इसे चुंबकीय बल यानी लॉरेंज बल से प्राप्त होगा। तो लिखेंगे वृत्ति गति करते हुए कण के लिए आवश्यक जो होगा अभिकेंद्र बल वो बराबर होगा लॉरेंज बल के। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वृत्ति गति करते हुए कण वृत्ति गति के लिए अभिकेंद्र बल, वृत्ति गति के लिए जो अभिकेंद्र बल होगा वो F बराबर क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, अब अभिकेंद्र बल के लिए लॉरेंज बल, अभिकेंद्र बल के लिए लॉरेंज बल वो कितना होगा, qvb साइन थीटा। चूंकि पहले ही बता दिया है कि थीटा इक्वल क्या है 90 डिग्री है, तब एफ इक्वल क्या आएगा, क्यू वी बी। ठीक है, अतः समीकरण एक और लिए क्या होगा, समीकरण दो, अर्थात निकलेंगे समीकरण एक व समीकरण दो से। यानी यहाँ पर जब लिखेंगे तो क्यू वी बी इक्वल क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, खत्म। यानी आर इक्वल आ गया एम वी अपॉन क्यू वी, ये क्या है, उस कण के पथ की त्रिज्या है। ठीक, अब होता क्या है, आपको सदैव वेग ही देगा। तो हम मान लेते हैं यदि कण की गतिज ऊर्जा के है तब बेसिक फॉर्मूला तो k बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है, यानी v बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2k अपॉन m। ठीक है, मींस r इक्वल आ गया है m अपॉन qb और v की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2k अपॉन m, इस m को आप अंदर भेज दो तो v इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन क्यू बी अंडर रूट के अंदर 2k m स्क्वायर अपॉन m, खत्म। तो v इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन क्यू बी अंडर रूट के अंदर 2k m, एक और फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब यहीं पर यदि बात कर दें, यदि k बराबर q इंटू v, ये भी तो पढ़ा है ना, k बराबर q इंटू v हो, तब v बराबर 1 अपॉन कैपिटल V अंडर रूट के अंदर 2 q इंटू वी इंटू एम, कैपिटल V आएगा याद रखना। ठीक है, पोटेंशियल वाला अपॉन में क्या आ गया, q स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तब v बराबर आ जाएगा 1 अपॉन V अंडर रूट के अंदर 2 q कैपिटल V, सॉरी q तो खत्म हो गया, 2 v इंटू एम अपॉन में क्या आ गया, q। ठीक है, यानी तब उस कण की त्रिज्या प्राप्त करने के लिए हमको इतनी सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। यानी कण की त्रिज्या हम इतनी सारी चीजों से प्राप्त कर सकते हैं, या तो कण की चाल देगा, या गतिज ऊर्जा देगा, या पोटेंशियल देगा, यानी वैद्युत विभव देगा। ठीक, अब पूछा जाएगा कण का आवर्तकाल, कण का आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब टाइम। तो टी बराबर एक चक्कर में दूरी, एक चक्कर में दूरी, ठीक है, बटे चाल। तो टी बराबर एक चक्कर में दूरी कितनी है, 2 पाई आर अपॉन में चाल कितनी है, वी, यहां रखो 2 पाई, ठीक है, अपॉन वी, और चाल की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन में क्यू बी,
बी से बी फिर कैंसिल हो गया, तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 2 पाई एम अपॉन में क्या आएगा क्यू, यानी जो कण उस पथ पर चक्कर लगा रहा है उसका आवर्तकाल जो होगा वो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी के बराबर होगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया, ठीक है, कॉपी करो इसे फिर आगे पढ़ते हैं। अगला जो डेरिवेशन है वो है किसी धारावाही चालक पर आरोपित बल। धारावाही चालक पर आरोपित बल की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। कैसे, मान लिया ये जो तार है वो कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक, और ये तार जो है वो इस तरह से कुछ चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं उनके लंबवत रखा हुआ है, तो ये है वो यार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये हो गया चालक तार। अब इसमें जो धारा बहेगी उस धारा पर बहने के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र और चालक तार इन दोनों के लंबवत एक बल लगने लगेगा, उस बल की आपको क्या करनी है, गणना करनी। तो मान लेते हैं कि चालक तार में जो बहने वाली धारा है वो आई कब बनती है, ठीक है, मानते हैं कि चालक के प्रति एकांक आयतन पर स्मॉल एन मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थित हैं और प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो स्मॉल ई है, तब तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो कुल आवेश होगा वो स्मॉल एन इंटू ई होगा, ठीक है, तब जब प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में वी डी चाल से आगे बढ़ रहा हो, ठीक, तो लिखेंगे तब चालक तार से स्मॉल टी सेकेंड में बहने वाली कुल धारा, ठीक है, यानी वी डी अनुगमन वेग से, वी डी अनुगमन वेग से चलने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा तार के तार से टी सेकंड में बहने वाली धारा, जो बहने वाली धारा होगी वो क्या होगी, आई बराबर एन ई ए इंटू वी डी, ठीक, ये हो गई एक सेकंड में बहने वाली धारा, टी सेकंड में बहने वाली धारा। अब बात करते हैं कि यहां से तार के भीतर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तार के भीतर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे मूव कर रहे होंगे उस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में, देखो ये सभी किस चाल से चल रहे होंगे, चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में, तो बेटा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, तो लिखेंगे यदि प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन की चाल वी डी है तब आरोपित बल कहां से, लॉरेंज के नियम से, क्या होता है, एफ पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, क्यू की जगह क्या आएगा ई, क्यू की जगह क्या आएगा ई, ठीक है, V की जगह वी डी इंटू में क्या आएगा B, ठीक, अब हमको पता है कि इसके अंदर कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है N, कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है N, ठीक है, और कितनी लंबाई में प्रवाह करने हैं L, कितनी लंबाई में प्रवाह करने हैं L, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यदि स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो तथा चालक का आयतन a इंटू एल, तो कुल बल, तब कुल बल आएगा एफ ई इंटू एन, ठीक है, इंटू a इंटू एल, एफ ई का मान क्या है, ई इंटू वी डी इंटू वी इंटू एन इंटू ए इंटू एल, थोड़ा व्यवस्थित करके लिखेंगे तो एफ बराबर एन ई ए वी डी,
ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा, एल इंटू बी, एन ई ए बी डी जो होता है वो क्या बनाएगा, आई एल बी, ठीक है, जिससे हम लोग आई बी एल भी पढ़ते हैं। तो एफ बराबर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर हम लिख सकते हैं आई बी एल। अब एक छोटी सी बात, यदि तार तथा क्षेत्र के मध्य का कोण थीटा हो तो एफ बराबर हो जाएगा आई बी एल इंटू में साइन थीटा, ठीक है। ये कब उत्पन्न हुआ, ये बल तब लगा जब इस चालक तार में आई धारा बही और ये चालक तार क्षेत्र के लंबवत रखा था, ठीक है, समझ में आया, कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन और बहुत अच्छा डेरिवेशन, कह रहा है यदि दो समांतर तार इस तरह से दो तार हो धातु के और एक दूसरे के समांतर रखे हो, पहले का नाम लिख दिया पी क्यू, दूसरे का नाम लिख दिया आर एस, और दोनों तारों में यदि हम धारा प्रवाह कर देंगे तो क्या होगा, तो भी यही होगा कि दोनों तारों के बीच में एक बल लगने लगेगा। और ये बल कैसे लगता है, हमेशा याद रहे कि अगर दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में है तो बल जो होगा वो आकर्षण का, और धारा अगर विपरीत दिशा में है तो जो बल होगा वो प्रतिकर्षण का लगेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, ठीक है, यानी एक ही दिशा में है तो आकर्षण, विपरीत दिशा में है तो प्रतिकर्षण का बल लगता है। चलिए हम बात अब करते हैं अपने डेरिवेशन। मान लेते हैं कि जो दो चालक तार हैं, पहला जो है पी क्यू और दूसरा जो है आर एस, इनमें क्रमशः आई वन व आई टू धारा प्रवाह करते हैं और इन दोनों तारों को एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर रखते हैं। यदि चालक तारों की लंबाई कैपिटल एल हो तो पहले तार में बहने वाली धारा आई वन के कारण दूसरे तार पर आरोपित या उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी जैसे हम लोग मान लो तो इसमें कोई धारा नहीं है, इसमें हमने पहले क्या किया I1 धारा फ्लो कराई, I1 धारा के कारण स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, बिल्कुल होगा। तो लिखेंगे पहले तार में बहने वाली धारा I1 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्या होगा, B, लिख सकते हैं बी वन या बी, बी इक्वल क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन टू पाई इंटू आई की जगह आई वन अपॉन में क्या आ गया आर समीकरण। आप इसको भूल जाओ और सोचो कि इससे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो दूसरे तार से होकर जा रहा है, यानी इससे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ही दूसरा तार लिखा है, तो लिखेंगे ना उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी के कारण, ठीक है, तार पर, या लिखेंगे दूसरे तार पर बहने वाली धारा I2 के कारण उस पर आरोपित बल, ठीक है, तब जो बल लगेगा वो क्या होगा, F बराबर बेसिक बात हम पढ़ते हैं आई बी एल होगा, लेकिन यहां से F बराबर I तो सही है, B की जगह क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन टू पाई इंटू आई वन अपॉन आर इंटू में क्या आएगा L, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो धारा है वो I2 है, तो अब हम सही से अगर इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो F इक्वल हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई वन आई टू अपॉन आर इंटू एल, ये बल है, लेकिन अथवा करके इसी को लिखा जा सकता है F बाई एल इक्वल म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई वन आई टू अपॉन आर, इसे हम लोग कहेंगे प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, जहां
म्यू नॉट अपॉन टू पाई जो है इसे 2×10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छे से कॉपी कीजिए, अच्छे से समझिए। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में।